उज्जैन के गीता कॉलोनी स्थित बड़े साहब के समीप कुछ वर्ग विशेष के युवकों ने पुलिस और प्रशासन के समक्ष पाकिस्तान जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए। नारेबाजी की सूचना मिलते ही एएसपी अमरेंद्र सिंह और एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी मौके पर पहुंचे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे लोगों को वहां से तितर बितर किया। इस दौरान पुलिस ने वीडियो रिकॉर्डिंग और क्षेत्र में लगी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया है, जिसमें से 4 पर नामजद प्रकरण भी दर्ज किया गया है। जिन 4 लोगों के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज किया गया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुवार रात की घटना के बाद शुक्रवार सुबह एडीजी योगेश देशमुख, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल, एएसपी अमरेंद्र सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने खारकुआ थाने में बैठकर वीडियो फुटेज खंगाले और पाकिस्तान जिंदाबाद नारेबाजी करने वाले लोगों की पहचान की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नारे लगाने वाले लोगों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिबाजीगंज पुलिस ने मामले में जफर उर्फ जैनी ऑटो वाला, राजू लाइट वाला, अनीस भाई लकड़ी वाला का पुत्र, अजीज भाई लकड़ी वाले का भतीजा, आरुण कुरैशी का भांजा, अज्जू शानू सब्जी मंडी वाला सहित 2 दर्जन अन्य लोगों के खिलाफ राजद्रोह की धारा 124A, 153B, 188 के तहत केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 4 आरोपितों को देर रात गिरफ्तार कर लिया है, बाकी अन्य की तलाश की जा रही है। देखिए, यहाँ पे परंपरागत एक घोड़ा बड़े साहब के नाम से यहाँ पे स्थापित होता है, जहाँ पे सभी समुदाय के लोग जाके अपनी मन्नत मांगते हैं। वहाँ पे कुछ सेकंड के लिए, कुछ 1-2 मिनट के लिए कुछ नारेबाजी हुई है, जो ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्र विरोधी है। उसमें लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम किया गया है। 8 लोग नामजद किए गए हैं, 15-20 अन्य हैं, और पुलिस की निरंतर रेड जारी है और पकड़ाधकड़ी चल रही है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए उज्जैन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट।